नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र मौर्य आप सबका मौर्य अभियान फ्लूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर है जिनका नाम सुंदर चौधरी है। तो उन्होंने कमेंट किए थे कि सर, जो आप कवर सॉन्ग अखियों के झरोके से जो बनाए हैं उसका ट्यूटोरियल आप दीजिए स्क्रीन पर नोटेशन के साथ में। तो मैं स्क्रीन पर तो नोटेशन दे दूंगा, स्लेट पर जैसे कि दिख रहा है। अगर आपको दिख अगर अच्छे से नहीं दिखे तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट उसको इस नोटेशन जो है व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा। तो आइए देखते हैं, पहले मैं एक बार बजाता हूं, उसके बाद बजाने के बाद जो है आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से नोट्स लगेंगे। और पहली बात कि आप मेरे इस फिंगर को देखिए, नोटेशन तो मैं दे दूँगा, फिंगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कर्ण खटका के भी कर्ण खटका का नोटेशन जो है कि मैं देने वाला नहीं हूँ और नहीं दे पाऊँगा। तो कोशिश कीजिए मेरे फिंगर देखने के लिए, ज़्यादा कर्ण खटका भी नहीं लगा हुआ, सिंपल सा नोट है, बहुत इजी सॉन्ग है। आप हाई ऑक्टिव में भी नहीं बजाना चाहते तो लो ऑक्टिव में भी बजा सकते हैं। तो पहले एक बार देखिए और मुखड़े पार्ट को देखिए, फिर मुखड़े पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अंतरे पार्ट को बताऊँगा। तो पहले मेरा एक बार बजाता हूँ मुखड़े पार्ट, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। और दूसरी बात कि क्रैकों पर अगर बजाना चाहते हैं तो जी सर बेस, जैसा कि मैं बजाया हूँ, अगर क्रैकों पर नहीं बजाना चाहते हैं, मतलब क्रैकों जो ट्रैक बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है, अगर उस पर नहीं बजाना चाहते हैं तो आप कोई भी स्केल का बांसुरी लीजिए, सी डी ई एफ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मैंने हाई ऑक्टिव से बजाया हूँ, अब आप चाहे तो इसको लो ऑक्टिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने लो ऑक्टिव में भी बजाया। और हाई ऑक्टिव से बजाने पे क्या होता है, थोड़ा सा मेलोडी आता है। अगर क्रैकों पर अगर बजाते हैं तो हाई ऑक्टिव में बजाइएगा तो वो जो है ना सामने वाले को सुनने में अच्छा लगेगा। तो अब नोटेशन देख लेते हैं। देखिए, ध से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल नोट्स लगा हुआ है। तो मैं लिखा हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और स्क्रीन पर भी जो है कि वो आपको चिपका हुआ मिल जाएगा। ध से स्टार्ट कीजिएगा, धनी धानी प ध सनी ध प ध, एक एक लाइन देखिए, अखियों के झरोखे से, इतना देखिए। पहले देखिए, मैं लो में भी पहले एक बार हाई बजाता हूँ। क्या किया, धानी धानी पाधा धानी पाधा सा ऐसा लेंगे मीट से, और उसके बाद साग बाद ऐसे नी रखे थे तो खटके के साथ किए। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि खटके के साथ रखने का, सॉरी ये पाप जो ना लास्ट में ऐसे करेंगे ऐसे। अरे आखी तेरे ना, ये से ऐसे ऐसे, अरे ये लास्ट में पाप है, ऐसे कर दे रहे पदा। तो इस तरह से धानी पदा सानी दा पदा आखियों के झरोखे से, अल्लो में ऐसे बजा सकते हैं।
सॉरी, ये हो गया एक लाइन, उसके बाद दूसरा लाइन, मैंने देखा जो साहब रे, इसका कैसे है? वही है, बस ऊपर वाला जो नोट्स लगा है, बस नीचे वाले नोट्स में क्या करना है कि एक जगह थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, और लास्ट में जो ध पे खत्म हो रहा वो प पे खत्म हो जाएगा ऐसे। ये जो है ना, ये सनी सनी यही चेंजिंग हो रहा है, इसका आना चाहिए ये सर। धानी धानी पा धानी पाधा, पे एंड करेंगे। मैंने देखा जो साहब रे, ठीक हो गया, तुम्हें दूर नजर आए, इसका देखते हैं। पधानी गम गारे नी सनी धा, अच्छा पधानी गम गारे नी सनी धा, इस तरह से। देखिए लो मैं बजा रहा हूँ, पधानी गा नी से डायरेक्ट डा, ये गा के बाद मगा, मगा जहाँ पे ऐसे फास्ट, जहाँ पे नीचे तीर की तरफ ऐसा किया हो, तीर ऐसे कर किया हो कर्व में, तो वो समझिए कि वो नोट्स दोनों जो है ना क्लोज है और फास्ट बजेगा। मगा ऐसे बजता है, देखिए और मगा करने के बाद रे, और रे के बाद सीधे नी, और हाई में भी था। लास्ट में ऐसे, लास्ट में क्या करना है, सनी धा। चौथी लाइन क्या है, बड़ी दूरी नजर आए, धनी धप, धनी धप फास्ट करना है, अच्छा बड़ी, अरे अरे ये ऐसे करना है, ये थोड़ा झटका देना है, ये रीना ए, ए, रेनी 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 रेनी, ठीक। तो ये जो है ना बड़ी दूर नजर है, एक बार सभी को जो है ना एक साथ मैं देख रहा हूँ, देखिए के बाद सेम चीज जो है ना एक बार फिर से कर लेना है, बंदे करके जय रोके से, वही जो भी है, तो ये जो है ना आगे का जो है वो सेम लगेगा, मन में ही मुस्काए, तो वही चीज, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।
तो वही चीज़ लगेगा, मुखड़ा जो है कि ख़त्म हो जाता है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए मुखड़े में ही आपको 10 से 11 मिनट हो गया है, तो मैं तो सोच रहा हूँ चलिए अंतरे भी बता दूँ, लेकिन काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि मुखड़े को आप लोग कंप्लीट कीजिए, मुखड़े को कंप्लीट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि सर मेरा मुखड़ा कंप्लीट हो गया है, तो मैं 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जो है ना कि दूसरा पार्ट में अंतरे के बता दूंगा। तो आप लोग धीरे धीरे सीखिए। आपको कोई भी गाने का अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें ट्यूटोरियल का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, उसका मैं ट्यूटोरियल देने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग धीरे धीरे कोशिश कीजिए, गाने पर फोकस कीजिए, तो उसको 10 दिन 15 दिन अच्छे से सीखिए। तो ये गाने को जो है ना अगर आप बिना करैकों पर भी बजाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, जिस तरह से मैं जो नोट्स बताया हूँ। और आप चाहें तो करैकों पर भी बजाएंगे, तो करैकों पर जो है ना कि लोअर ऑक्टेव में अगर बजाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। आप लोग खुद से अनुभव कीजिएगा। करैकों का लिंक तो यूट्यूब में मिल जाता है, अगर लिंक चाहिए तो वो भी मैं आप लोग को भेज दूँगा। तो मैं मेरे तरफ से पूरी तरह से जो है ना आप लोगों को कोऑपरेट है, आप जितना चाहे आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यार मेरा चैनल जो है ना क्या बताऊँ यार, 1-1.5 साल से हो गया कम से कम यार, थोड़ा बहुत तो यार सब्सक्राइबर आप लोग देखते हैं, पर क्या है कि आप लोग जो है ना कि ना लाइक करते हैं ना ही कुछ कमेंट करते हैं। यार अगर पसंद नहीं आता है तो कम से कम डिसलाइक का भी तो बटन दबा सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, और जितना सपोर्ट कीजिएगा उतने आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो धीरे धीरे सीखिए, मैं दूसरा पार्ट 2 दिन में 3 दिन में जब भी बोलिएगा मैं बना दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।